तो बेटा हमने टॉपिक ये डिस्कस किया था क्लास में, थोड़ा सा इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया हुआ, प्रेशर अल्सर्स या बेड सोर्स या फिर डेक्यूबिटस अल्सर्स, है ना। ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा हमने किया था, लेकिन आज हमने जो हाँ हम इसके अंदर की ना डिटेल आज थोड़े डिस्कस करेंगे, और कैसे हमने बेड सोर्स को केयर करना है या प्रिवेंट करना है उसको हमने डिस्कस करना है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं फिर से कर दूंगी एक बार कि व्हाट एक्चुअली इज डेक्यूबिटस अल्सर्स और व्हाट एक्चुअली इज बेड सोर एंड हाउ दे कैन अकर, ठीक है। नीचे ही होगा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले आ जाता है इसका डेफिनेशन, ठीक है। सो अ प्रेशर अल्सर और प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर और बेड सोर इज लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन एंड अदर अंडरलाइंग टिश्यू, यूजुअली ओवर अ बोनी, सॉरी इट इज अ बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है। बॉडी लिखा हुआ है, बोनी प्रोमिनेंस है ये, ठीक है, ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग अनरिलीव्ड प्रेशर, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लास में भी आपको बताया था, ये प्रेशर अल्सर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर सोर भी बोल सकते हैं, डेक्यूबिटस अल्सर भी बोल सकते हैं, बेड सोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ लोकलाइज इंजरी, ठीक है, लोकलाइज इंजरी है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है ये, ठीक है। और स्किन पे भी हो सकता है, और स्किन के अंडरलाइन जो टिश्यूज हैं वहां पे भी इंजरी हो सकती है, इट डिपेंड्स कि कौन सी स्टेज है, ठीक है। और ये होता किस वजह से है, ये होता किस वजह से है, जब बहुत देर से बहुत लंबे समय से किसी एरिया के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ होता है, ठीक है, उस वजह से होता है ये। देन नेक्स्ट आते हैं आपके रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे आपके इसमें, नंबर वन है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, लाइक सपोज पेशेंट पेशेंट जो है वो बेड रिडन है, ठीक है, तो और उसकी जो लिनन है, जो बेड लिनन है उसकी, ठीक है, उसके ऊपर रिंकल्स है। जैसे आपको मैंने बेडिंग का प्रोसीजर बताया था ना, तो सपोज उसके ऊपर अगर रिंकल्स है तो उन रिंकल्स के साथ क्या, उसकी स्किन जो है वो इरिटेट होगी, फ्रिक्शन कॉज होगी वहां पे, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को बेड सोर हो सकता है, ठीक है। देन देयर कैन बी शियर इंजरी और देयर कैन बी इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, मतलब जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन कैन बी वन रिस्क फैक्टर, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी कैन बी वन रिस्क फैक्टर, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैन बी वन फैक्टर, एंड फीकल एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस कैन बी वन फैक्टर, ठीक है। फीकल एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस क्या होती है, जब पेशेंट का अपने अपनी बॉवल मूवमेंट पे, मतलब कि उसको या अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, तब हम उसे बोलते हैं फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। समझ आ रही है आपको बात, जब पेशेंट जो है वो उसका अपना स्टूल पास करने पे कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब अपने आप ही उसका स्टूल पास हो जाता है कहीं पे भी, ठीक है, उससे कंट्रोल नहीं हो पाता, सो दैट इज फीकल इनकॉन्टिनेंस। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होती है कि जब यूरिन जो है, ठीक है, पेशेंट का अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि फीकल अगर पेशेंट स्टूल पास कर देगा बेड के ऊपर, ठीक है, तो वो गीला गीला एरिया रहेगा ना, तो उसकी वजह से क्या है, बेड सोर डेवलप हो सकते हैं। तो सेम यूरिनरी इनकंटिनेंस के अंदर है, सेम यूरिनरी इनकंटिनेंस के अंदर है, ठीक है, तो सो दीज ऑल कैन बी द रिस्क फैक्टर्स। समझ में आया बेटा आपको, यस मैम, यस मैम, यही हम यस मैम, हाँ ये हम पहले वैसे टॉपिक कर चुके हैं क्लास के अंदर, है ना, बट इसके अंदर जो मेन नया टॉपिक है वो आगे है आपकी नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देन आप क्या जाता है, माल न्यूट्रिशन, है ना, माल न्यूट्रिशन भी एक कॉज है बेड सोर के लिए, रिस्क फैक्टर हो सकता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो माल नरिश पेशेंट होते हैं उनके अंदर बॉडी फैट जो है वो कम होता है, लीन होते हैं वो पेशेंट, है ना, तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या है, बेड सोर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। देन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कैन बी वन रीजन, देन एक्सेसिव बॉडी हीट कैन बी वन रिस्क फैक्टर, देन एडवांस्ड एज कैन बी वन रिस्क फैक्टर, देन क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन, जैसे कि पेशेंट को डायबिटीज है या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ज्यादा उसकी कंडीशन जो है वो खराब है और हॉस्पिटलाइज है साथ में, ठीक है। सो दीज ऑल कैन बी द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेक्यूबिटस अल्सर्स। देन आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, नहीं आइडिया, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिसीज जो है वो किस तरह से प्रोग्रेस करता है, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाता है आपके, जैसे कि कोई भी रिस्क फैक्टर, जैसे अभी आपको मैंने बताया एडवांस एज है या माल नरिश्ड पेशेंट है ना, तो कोई भी रिस्क फैक्टर होगा, ठीक है, तो उन रिस्क फैक्टर की वजह से कोई भी पेशेंट जो होगा, ठीक है, उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज होंगे,
बोनी प्रोमिनेंस के जगह पे. बोनी प्रोमिनेंस का मतलब है जहाँ पे बोनी एरिया होगा. जैसे आपने बताया था कि अगर सुपाइन पोजिशन है, सुपाइन पोजिशन में कहाँ कहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं अल्सर्स, कहाँ कहाँ होने के चांसेस रहते हैं, कहाँ कहाँ पे हो सकता है सुपाइन पोजिशन में? बताओ याद करके. बैक में. हाँ, शोल्डर्स, शोल्डर्स पे है ना, शोल्डर्स की बैक पे जहाँ स्कैपुला होता है ना, और एल्बो, एल्बोस के नीचे, एल्बोस के नीचे हो सकता है ना, एंकल्स के नीचे हो सकता है सुपाइन पोजीशन में, है ना. तो ये सारे रिस्पेक्ट, कोई भी रिस्पेक्टर होगा, ठीक है, तो दैट विल एक्ट ऑन एरियाज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ओवरलाइंग द बोनी प्रोमिनेंस. और जब व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड्स नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर, ठीक है, एंड जब ये प्रेशर जो होगा, ठीक है, नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, वो ऑक्लूड हो जाएंगी, वो टियर हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे टिश्यू परफ्यूजन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, मतलब कि जो ब्लड सप्लाई होगी वो भी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक कम पहुंचेगी, ठीक है. और अगर ऑक्सीजन कम पहुंचती है टिश्यूज तक, तो वहां पे क्या हो जाता है, इस्चीमिया. इस्चीमिया का मतलब है जो टिश्यूज होंगे वहां पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से टिश्यूज की डेथ हो जाती है, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर वहां पे क्या हो जाता है, प्रेशर सोर, ठीक है. तो आपने छोटा सा इसको याद रखना है कि अगर पेशेंट बेड रिडन है बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है, तो उसके जो बोनी प्रोमिनेंसेस होंगे वहां पे प्रेशर जनरेट होता है, और वो प्रेशर जो होगा, ठीक है, जब वो नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर को इंक्रीज कर जाता है, तो जो छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है वो ऑक्लूड हो जाती है, टियर हो जाती है, रप्चर हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा टिश्यूज को, तो टिश्यूज की क्या हो जाती है, डेथ, और जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, प्रेशर सोर्स. आया समझ में बेटा? ठीक है, ठीक है. देन ये देखो सुपाइन पोजिशन के अंदर, सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटे हैं ना ये, ठीक है, तो ये देखो बैक ऑफ द हेड के ऊपर होने के चांसेस हैं, शोल्डर, शोल्डर के पीछे जहाँ स्कैपुलाज होते हैं, ठीक है, वहां होने के चांसेस हैं, एल्बो पे होने के चांसेस हैं, है ना, देन लोअर बैक और बटेक्स पे होने के चांसेस हैं बेड सोर्स, है ना, और यहाँ पे ये वाली जो जगह है, ये इनर, यहाँ पे जो पॉपलिटियल फोसा होता है, ठीक है, इनर नीज होते हैं, यहाँ पे होने के चांसेस हैं, ठीक है, या अंदर वाली साइड पे, दोनों जो लेग्स होंगी साथ में इकट्ठी होंगी ना, तो दोनों आपस में फ्रिक्शन की वजह से अंदर वाली साइड पे हो सकता है, ठीक है, देन ये जो हील होती है हमारी, एडी होती है, ठीक है, यहाँ पे होने के चांसेस हो सकते हैं. ये सुपाइन पोजीशन में है, ये तो हमने आपको बताया है क्लास के अंदर पहले भी, है ना. यस मैम, यस मैम. देन स्टेजेस भी हमने डिस्कस करी थी, फिर भी मैं समराइज करवा दूंगी, ठीक है. स्टेजेस आ गई, स्टेजेस क्लासिफिकेशन ऑफ बेड सोर्स. सो स्टेजिंग सिस्टम फॉर प्रेशर अल्सर्स आर बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द टिश्यू डिस्ट्रॉयड, ठीक है. स्टेजिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि कितना टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व है, किस डेप्थ तक टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए स्टेज 1, 2, 3, 4, 4 स्टेजेस हमारे पास जो है इसकी आती है, राइट. सबसे पहले आता है आपका स्टेज 1. स्टेज 1 को हम बोलते हैं नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस ऑफ इंटैक्ट स्किन, ठीक है. स्टेज 1 का नाम हम क्या देते हैं, नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस ऑफ इंटैक्ट स्किन. इसमें क्या होगा, इंटैक्ट स्किन प्रेजेंट्स विद नॉन ब्लेंचेबल एरिथमा ऑफ अ लोकलाइज्ड एरिया यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है. मतलब स्किन जो होगी इसके अंदर इंटैक्ट होगी, ठीक है. स्किन जो है वो स्किन ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा, स्किन जो है वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा, स्किन इंटैक्ट होगी, लेकिन वहां पे रेडनेस हो गई होगी, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया होगा, एरिथमा में क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है. देन देर विल बी डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, देर विल बी वॉर्म्थ, एडिमा और पेन में ऑल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है. तो डिस्कलरेशन हो जाएगी स्किन की, स्किन की डिस्कलरेशन हो जाएगी. देन जब आप उस एरिया को हाथ लगाओगे तो वो वार्म होगा टच करने पे. बेटा एक सेकेंड. स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस मैम, यस मैम. अरे कौन है यार, एक सेकेंड. स्क्रीन नजर में आ रही है आपको? नो मैम, स्क्रीन नजर नहीं आ रही. वेट वेट वेट, अब
अभी नजर आ रही होगी ना? यस मैम, ठीक है ठीक है ठीक है. सो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, वार्मथ, एडिमा और पेन में आल्सो बी प्रेजेंट. तो जो स्किन की डिस्कलरेशन हो जाएगी वहां पे जब आप टच करोगे तो वो एरिया जो है थोड़ा सा वार्म होगा टच करने पे, और वहां पे स्वेलिंग भी होगी और पेशेंट पेन भी बता सकता है जब आप टच करोगे तो वहां पे पेन भी हो सकती है. देन स्टेज वन इंडिकेट एट रिस्क पर्सन, ठीक है, मतलब स्टेज वन इंडिकेट कर देता है कि ये पेशेंट जो है वो आगे और ज्यादा बेड सोर जो है वो डेवलप कर सकता है. ठीक है, सो इट ओनली इन्वॉल्व द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन. ठीक है, स्किन की आपको पता है लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है, फिर हाइपोडर्मिस है, जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू बोल देते हैं, है ना, तो ये लेयर्स रहती है ना. तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ जो एपिडर्मिस लेयर होगी ऊपर वाली लेयर होती है, सिर्फ वही अफेक्ट होती है स्टेज वन में. ये देखो स्किन आ गई ना इसकी, ये देखो ये होता है एपिडर्मिस है, दिस एरिया इज द एपिडर्मिस, देन दिस इज द डर्मिस, और ये होते हैं आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू, है ना. तो ये स्टेज वन है जिसमें सिर्फ डर्मिस इन्वॉल्व है. क्लियर? यस मैम. यस मैम. क्लास ले लिया, क्लास ले. अच्छा, देन नेक्स्ट आता है आपका स्टेज नंबर टू. ठीक है, स्टेज नंबर टू में आपका आता है पार्शियल थिकनेस और स्किन लॉस और ब्लिस्टर. इसके अंदर क्या हो जाता है, मतलब कि थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में जो है वो इन्वॉल्व बेड सोर इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, स्किन और ब्लिस्टर हो जाते हैं पेशेंट को. ठीक है, सो पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस प्रेजेंट्स एज अ शेलो ओपन अल्सर विद अ रेड पिंक वाउंड बेड विदाउट स्लव. ठीक है, तो मतलब इसके अंदर क्या है, जो डर्मिस लेयर होगी वो भी थोड़ी सी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर. ठीक है, और इसके अंदर एक ओपन अल्सर जो है वो फॉर्म हो जाएगा. एंड स्टेज टू इज अ डैमेज टू द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस. ठीक है, तो स्टेज टू के अंदर एपिडर्मिस भी अफेक्ट होता है और उसके नीचे जो डर्मिस लेयर है वो भी अफेक्ट होती है. ठीक है, इन दिस स्टेज द अल्सर मे बी रेफर टू एज अ ब्लिस्टर और अब्रेजन. ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर अल्सर हो जाता है, अल्सर भी हो जाता है, ब्लिस्टर भी बन जाते हैं. ठीक है, और हो सकता है कि वो एब्रेजन भी बन जाए, जैसे कि घाव बन जाता है ना एक तरह से. सो दैट इज देयर. क्लियर बेटा? यस मैम. हाँ, तो स्टेज वन में क्या था, सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व था, स्टेज टू में एपिडर्मिस एंड डर्मिस बोथ आर इन्वॉल्व. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से. क्लियर? यस मैम. ठीक है, पूरा डर्मिस इन्वॉल्व नहीं है, सम पार्ट ऑफ द डर्मिस इज इन्वॉल्व. ठीक है, पूरा डर्मिस इन्वॉल्व नहीं है, सम पार्ट ऑफ द डर्मिस इज इन्वॉल्व. तो इस तरह से देखो स्टेज टू का अल्सर जो है वो इस तरह से दिखेगा. वो बन गया ना, अल्सर बन गया ना यहाँ पे. फर्स्ट स्टेज में क्या था, सिर्फ रेडनेस थी, एरिदमा था, और स्टेज टू में देखो ब्लिस्टर फॉर्म हो चुका है. देन आता है आपका स्टेज थ्री. ठीक है, सो दैट इज फुल थिकनेस स्किन लॉस. ठीक है, और फैट विजिबल. इसके अंदर क्या होगा, जो स्किन की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. ठीक है, तो स्किन लॉस हो जाता है इसके अंदर, राइट. सो इन दिस इट इज अ फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, सबक्यूटेनियस फैट में भी विजिबल. ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा स्किन लॉस जो है वो हो जाता है, और उसके नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट होगा वो विजिबल होगा. ठीक है, बट बोन, टेंडन और मसल इज नॉट एक्सपोज. लेकिन अभी भी जो पेशेंट की बोन होगी, टेंडन होंगे, मसल होंगे, वो एक्सपोज नहीं हुए होंगे, लेकिन सबक्यूटेनियस फैट जो है वो एक्सपोज हो चुका होगा. ठीक है, देन आता है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज आर इन्वॉल्व. ठीक है, तो तीनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. Subcutaneous layer has a relatively poor blood supply, so it is difficult to heal. क्योंकि subcutaneous layer जो होती है, ठीक है, वहाँ पे blood supply जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए इसके अंदर जो healing का process है वो थोड़ा सा difficult हो जाता है इस stage के अंदर. ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से. ठीक है, dermis भी, epidermis भी involved है, dermis भी involved है, और subcutaneous tissue भी involved है. ठीक है बच्चे? यस मैम. यस मैम. हाँ, लाइक दिस. ठीक है, देखो देयर इज टोटल लॉस ऑफ स्किन. ठीक है, अभी इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज लाइक नो लेयर ऑफ स्किन कैन बी सीन, है ना. सो सबक्यूटेनियस फैट जो है वो विजिबल है इसके अंदर, लेकिन अभी भी बोन, टेंडन, मसल जो है वो विजिबल नहीं है. सो दिस इज स्टेज थ्री. Then आता है स्टेज फोर. ठीक है,
हाँ स्टेज फोर इज कॉल्ड एज फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, ठीक है. इसके अंदर पूरा का पूरा जो फुल थिकनेस टिश्यू लॉस होगा, ठीक है, एंड इट इज द डीपेस्ट एक्सटेंडेड इनटू द मसल टेंडल टेंडन और इवन बोन, ठीक है. ये कहाँ तक जा सकता है, इट कैन इवन एक्सटेंड टू द मसल, इट कैन इवन एक्सटेंड टू द टेंडन एंड इट कैन इवन एक्सटेंड टू द बोन. फुल थिकनेस टिश्यू लॉस विद एक्सपोज्ड बोन टेंडन और मसल लाइक दिस स्टेज फोर. Like this. Here you can see, ठीक है, the bone is somewhat visible. ठीक है, so this is stage four. So by seeing this picture, you can imagine like how important it is like for the nurse to care for a bedridden patient, है ना, ताकि ये वाली complication जो है वो develop ना हो, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next आ जाते हैं complications. क्या क्या complications हो सकती हैं अगर if someone has developed bed sores, ठीक है, so they can develop cellulitis. ठीक है, cellulitis में क्या होगा, जो cells हो जाते हैं body के अंदर, उनमें inflammation आ जाती है. ठीक है, जैसे legs के अंदर leg के अंदर cellulitis होगा तो पूरी leg के अंदर swelling आ जाएगी. So then there can be bone and joint infections, there can be sepsis and even it can cause cancer. ठीक है, so these all are the complications. Then आता है prevention. How you can prevent? Can you please tell me? आप बता सकते हैं मुझे कैसे prevent कर सकते हैं आप? Anyone? मैम patient को मैम हर घंटे पे मैम उसको movement कराना. हाँ. जहाँ weakness होगी वहाँ पे massage करना. मैम exercise कराना. Exercise. अगर bedridden patient है तो what you will do? लेकिन अगर ये डेवलप हो जाए तो उनको ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, सो ऑल द वुंड्स कैन डेवलप इन स्पाइट ऑफ द मोस्ट क्रूशियल केयर, इट्स पॉसिबल टू प्रिवेंट देम इन मेनी केसेस. सो प्रिवेंशन में सबसे पहले आपका आता है पोजिशन चेंजेस. ठीक है, so changing position frequently and consistently is crucial to preventing bed sores. Experts advise shifting position about every 15 minutes that you are in a wheelchair and at least every 2 hours even during the night if the patient is in the bed. ठीक है, अगर patient जो होगा वो bed में होगा तो आपने उसकी position जो है वो हर 2 घंटे बाद change करनी है. और अगर patient जो है वो wheelchair पे है, ठीक है, तो हर 15 मिनट्स के बाद आप उसकी पोजीशन जो है वो शिफ्ट करेंगे. ठीक है, अगर व्हीलचेयर पे है. देन स्किन को आप इंस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर आप स्किन इंस्पेक्ट करते रहेंगे डेली तो यू कैन ऑब्जर्व कि अगर बेड सोर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट तो नहीं हो गया है ना. सो डेली स्किन इंस्पेक्शंस फॉर प्रेशर सोर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिवेंशन. तो डेली पेशेंट की स्किन जो है, बेड रिडन पेशेंट की स्किन जो है वो आपने इंस्पेक्ट करनी है. क्या इंस्पेक्ट करोगे? फॉर रेडनेस, फॉर वॉर्म्थ, फॉर एनी काइंड ऑफ एडिमा, है ना. तो इन सब चीजों के लिए आप इंस्पेक्ट करेंगे. Then next आता है prevention में nutrition. So a healthy diet is important in preventing skin breakdown and in aiding wound healing. ठीक है. Then next आता है इसमें आपका adequate hydration to maintain the skin integrity. Healthy diet patient को जो है वो देनी है. Healthy diet जो है वो patient को देनी है. ठीक है. और hydration उसकी maintain करनी है. Time. Hydration patient की maintain करनी है. Okay. देन लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाता है. ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस में आपका आ जाएगा पेशेंट को आपने एडवाइस करना है टू क्विट स्मोकिंग. ठीक है, एंड एक्सरसाइज डेली टू इम्प्रूव सर्कुलेशन. ठीक है, अगर सपोज पेशेंट जो है, अगर तो वो एम्बुलेटरी है, एम्बुलेटरी का मतलब क्या है, इफ द पेशेंट कैन वॉक आउट ऑफ द बेड, उस केस में हम क्या करेंगे पेशेंट, उस केस में तो आपको जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि उस पेशेंट को बेड सोर्स नहीं होंगे, है ना. कौन से पेशेंट को होंगे जो बेड रिडन. ठीक है, तो आपने पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज करानी है. पैसिव एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था ना, पैसिव एक्सरसाइज में क्या है, जो नर्स होती है वो पेशेंट की हेल्प करती है एक्सरसाइज करवाने में. yes, है ना. यस मैम. हां,
हाँ तो दैट इज देयर, ठीक है. देन एडिक्यूट डाइट आपने मेंटेन करनी है, लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताया मैंने, ठीक है. देन यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस सच एज एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस, ठीक है. ये कंफर्ट डिवाइसेस में हमने डिस्कस किया था. एयर मैट्रेस जो होते हैं और जो वाटर मैट्रेसेस होते हैं, ठीक है, इससे भी बेड सोर्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन कॉज नहीं करते हैं स्किन के साथ, ठीक है, और एक कुशन वाली ये फीलिंग जो है ये देते हैं, ठीक है, तो दैट इज देयर. ओके मैम. हाँ, सो ये था सर आपका प्रिवेंशन. देन नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रीटमेंट, ठीक है. सो चेंजिंग पोजीशन ऑफन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है. लाइक इफ द पेशेंट इज इन व्हीलचेयर, ठीक है, सो वी आर सपोज टू चेंज द पोजीशन आफ्टर एवरी 15 मिनट, ठीक है. एंड इफ द पेशेंट इज इन बेड, देन वी आर सपोज टू चेंज द पोजीशन आफ्टर एवरी 2 आवर्स, ठीक है. लेकिन इस चीज का बहुत ध्यान देना है, जो अगर पोजीशन चेंज करने के लिए है तो करना ही है आफ्टर एवरी 2 आवर्स. Then using support surfaces. So these are special cushion pad mattresses and the beds that relieve pressure on an existing sore and help protect vulnerable areas from further breakdown. ठीक है, जैसे कि support surfaces का मतलब क्या है, comfort devices का आप use करोगे, earrings का आप use कर सकते हो, air mattresses का आप use कर सकते हो, water mattresses का आप use कर सकते हो, ठीक है. Like this. Here you can see the pictures. है ना, ये सारे क्या है. Yes. ये एयर मैट्रेसेस हैं, ये वाटर मैट्रेस है. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है आपका क्लीनिंग, ठीक है. क्लीनिंग में क्या है, इट्स एसेंशियल टू कीप वुंड्स क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है. अगर पेशेंट ने वुंड डेवलप कर लिया है, ठीक है, तो उसको क्लीन करना रखना जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. अगर आप उसको क्लीन नहीं रखेंगे तो उसमें और ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगा और उसको फिर हील करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो स्टेज वन वुंड कैन बी जेंटली वॉश्ड विद वाटर एंड माइल्ड सोप, बट ओपन सोर शुड बी क्लीन विद अ सॉल्ट वाटर और सलाइन सॉल्यूशन ईच टाइम द ड्रेसिंग इज चेंज, ठीक है. अगर स्टेज वन का वुंड है, स्टेज वन वुंड में क्या था, ओनली रेडनेस वॉज देयर, ठीक है. तो वॉट वी विल डू इन दैट केस, we will only wash it with water and mild soap, ठीक है. लेकिन अगर open sore है, ठीक है, उस केस में we will wash it with normal saline. Normal saline आता है ना, बॉटल में देखा होगा आपने. Yes, so, हाँ, normal saline, जब भी patient की dressing change करनी है तो every time normal saline के साथ पहले उसको clean करना है, उसके बाद ही dressing change की जाती है, ठीक है. देन नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट में कंट्रोलिंग इनकंटिनेंस, ठीक है. कंट्रोलिंग इनकंटिनेंस का मतलब क्या है, लाइक इफ द, आपको मैंने बताया था कि पेशेंट का जब अपने मोशन पे, अपने स्टूल पास करने पे या फिर अपने यूरिन पास करने पे कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, तो उस केस में क्या है, बेड वेटिंग होगा, उसका बेड जो है वो गीला हो जाएगा, और अगर बेड गीला होगा, मॉइस्ट होगा बेड, तो बेड सोर होने के चांसेस है, ठीक है. तो पेशेंट को अगर ये प्रॉब्लम है फीकल इनकंटिनेंस की या फिर यूरिन इनकंटिनेंस की, तो आपने उसका कॉज फाइंड आउट करके पहले पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देना है, ताकि उसकी जो इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, ठीक है. देन है रिमूवल ऑफ डैमेज्ड टिश्यू. कोई कुछ पूछ रहा है, एनी क्वेरीज? ठीक है. रिमूवल ऑफ डैमेज्ड टिश्यू. सो टू हील प्रॉपरली वुंड्स नीड टू बी फ्री ऑफ डैमेज डेड और इन्फेक्टेड टिश्यू. सपोज पेशेंट के बेड सोर हो चुका है, स्टेज टू है, बेड ओपन सोर, ओपन वुंड है, ठीक है. तो उसको इसमें क्या है, जो उसके डैमेज टिश्यू होंगे उसको हमें साफ करना होगा, क्लीन करना होगा डेली, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली हील हो, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो हील नहीं होगा फिर, ठीक है. देन है ड्रेसिंग्स, ठीक है. ड्रेसिंग जो है वो स्टेराइल ड्रेसिंग हमने करनी है. स्टेराइल का मतलब क्या है, एसेप्टिक टेक्निक्स के साथ हमने ड्रेसिंग जो है वो पेशेंट की रेगुलर करनी है, और ड्रेसिंग करने के साथ ही फिर वो हील होगा. देन वी विल पुट द पेशेंट ऑन ओरल एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होंगे इट विल हेल्प इन ट्रीटिंग द बेड सोर्स, और किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन जो है वो वहां पे और ज्यादा ना हो, उससे भी वो प्रिवेंट करेगा. देन वी विल एडवाइज द पेशेंट टू हैव हेल्दी डाइट, ठीक है. हेल्दी डाइट उसको लेने के लिए बोलेंगे. हेल्दी डाइट में आ जाएगा जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि उसको वुंड हुआ है ना, और जब भी वुंड होता है ना तो हम उसको प्रोटीन रिच डाइट बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, वुंड को हील होने में हेल्प करता है, जैसे एग्स हो गए, फिश हो गई, है ना. तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स प्रेफरेंस,
देन एडुकेटिंग द केयर गिवर, ठीक है, जो भी पेशेंट के साथ, सपोज पेशेंट को डिस्चार्ज मिल गया है लेकिन उसके बेड सोर है और उसको घर पे भेज दिया हमने, है ना, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो भी पेशेंट के केयर गिवर होंगे जो उसको घर पे अटेंड करेंगे, उनको हमने एजुकेट करना है कि कैसे इनकी ड्रेसिंग चेंज करनी है, कैसे बेड सोर की केयर करनी है, वो सब उसको एजुकेट करना है हमने. देन आता है सर्जिकल रिपेयर. बेटे यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम. ठीक है, देन आता है सर्जिकल रिपेयर. सर्जिकल रिपेयर में आता है टिश्यू फ्लैप. ठीक है, टिश्यू फ्लैप और प्लास्टिक सर्जरी में भी रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द टिश्यू. ठीक है, तो ये हो जाता है अगर हमने स्टेज फोर या स्टेज थ्री में अगर बेड सोर पहुंच गया है तो. अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस लाइक रिसर्चर्स आर सर्चिंग फॉर मोर इफेक्टिव बेड सोर ट्रीटमेंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशंस आर हाइबरबैरिक ऑक्सीजन एंड द टॉपिकल यूज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं उनका भी रिसर्च चल रहा है और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का भी रिसर्च चल रहा है कि वो कितने इफेक्टिव है बेड सोर के लिए. अगर उनके ट्रायल्स अच्छे रहेंगे तो इनको भी अब आगे लेके आया जाएगा एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग बेड सोर्स. देन आता है आपका रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर्स. ठीक है, सो द नर्स शुड बी continuously assessing the client who are at risk for pressure ulcer development. ठीक है, तो patient को assess करना है जो कि उसको लगता है कि ये patient जो है वो pressure ulcer के होने के लिए risk पे है. Then what we will do, we will ask the client for the predisposing factors for bed sore development. जैसे कि उसकी हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे पेशेंट का, ठीक है, उसकी एज फैक्टर देखेंगे, जो भी हमने रिस्क फैक्टर डिस्कस करे हैं वो सब के लिए हम पेशेंट को असेस करेंगे. देन वी विल असेस द स्किन कंडीशन ऑफ द पेशेंट एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. देन वी विल इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइट. ठीक है, ईच प्रेशर साइट का मतलब क्या है कि पेशेंट को आपने जिस भी पोजिशन में लिटाया है, ठीक है, जो भी पोजीशन में पेशेंट है तो जो जो प्रेशर पॉइंट्स होंगे उनको आपने असेस करना है. ठीक है, और ट्वाइस अ डे आप स्किन कंडीशन पेशेंट की असेस करते रहोगे. देन वी विल पैल्पेट द स्किन फॉर इंक्रीज्ड वार्मथ. ठीक है, पेशेंट की स्किन को आपने पैल्पेट करना है देखने के लिए कि कहीं से आपको लगेगा कि ज्यादा गर्म तो नहीं है. Then है inspect for dry skin, moist skin, breaks in skin. ठीक है, तो inspect करना है patient की skin जो वो है dry है, moist है या skin कहीं से breakdown हो रही है. Then we will evaluate level of mobility. ठीक है, patient की activity कितनी है, वो bed पे अपने आप उठ के बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है ना, तो उस चीज को आप assess करोगे. Then evaluate circulatory status. ठीक है, circulatory status patient का आपने check करना है. कैसे करेंगे? Patient की peripheral जो पल्सेस हैं, ठीक है, वो आपने चेक करनी है और एडिमा चेक करना है, हाथ पैरों पे एडिमा तो नहीं है. देन पेशेंट का न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस जो है वो हम चेक करेंगे टू असेस फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो कितना अलर्ट है, उसको पता है कि व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, है ना, वेयर इज ही राइट नाउ, है ना, टू होम ही इज टॉकिंग राइट नाउ, तो वो सब तो वो सब चीजें आपने असेस करनी है. ठीक है, then determine presence of then assess neurovascular status of the patient, then determine presence of incontinence. ठीक है, determine presence of incontinence, वो अभी आपको डिस्कस किया था मैंने कि अगर incontinence है उसके लिए पेशेंट को चेक करना है. then evaluate nutritional and hydration status of the patient and then note the present health problem of the patient. तो ये सारी चीजें बेटा आपने assess करनी है, इतना कुछ है आपके पास assessment में पहले. ठीक है, then interventions क्या क्या है? interventions for a patient with decreased sensory perception. ठीक है, मतलब decreased sensory perception का मतलब क्या है कि suppose आपने patient को किसी area पे आपने touch किया और वो आपने या उसको pinch किया तो वो कह रहा है कि उसको वो पिंच फील नहीं हुई. ठीक है, दैट मींस क्योंकि सेंसरी परसेप्शन जो है वहां पे कम हो रही है, सो दैट इज द इंडिकेशन कि हो सकता है वहां पे प्रेशर सोर जो है वो डेवलप होने वाला हो. ठीक है, तो
आपने क्या करोगे, आप यू विल असेस प्रेशर पॉइंट्स फॉर साइंस ऑफ बेड सोर डेवलपमेंट, उस एरिया को आपने असेस करना है, देन प्रोवाइड प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन सरफेस, मतलब कि कंफर्ट डिवाइसेस आपने पेशेंट को जो है वो देने हैं, देन इंटरवेंशंस फॉर अ पेशेंट विद इनकंटिनेंस, अगर पेशेंट को इनकंटिनेंस है तब आप क्या करोगे, असेस नीड फॉर इनकंटिनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, इनकंटिनेंस मैनेजमेंट के लिए आपने असेस करना है, ठीक है, यानी कि किस वजह से उसको इनकंटिनेंस हो रही है, ठीक है, और उसको डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है, देन फॉलोइंग ईच इनकंटिनेंस एपिसोड क्लीन एरिया एंड ड्राई थॉरोली, ठीक है, पेशेंट अगर इनकंटिनेंस कर रहा है ना, बेड वेट हो गया उसका, तो उस एरिया को क्लीन करना है, उसको ड्राई करना है, देन प्रोटेक्ट स्किन विद मॉइस्चर बैरियर ऑइंटमेंट, ठीक है, स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करना है एक ऐसी ऑइंटमेंट के साथ जिससे कि मॉइस्चर भी ना आए उसकी स्किन के ऊपर और ज्यादा ड्राई भी ना रहे, ठीक है, देन इंटरवेंशंस टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शियर, ठीक है, मतलब ऐसा आप क्या करोगे जिससे कि उसको पेशेंट को बेड के ऊपर लेटे हुए फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, और शियर ना हो, व्हाट वी विल डू इज रीपोजिशन द पेशेंट यूजिंग ड्रॉ शीट एंड लिफ्टिंग ऑफ ऑफ सरफेस, ठीक है, जब पेशेंट को आप रीपोजिशन कर रहे हो तो ड्रॉ शीट की हेल्प से करो आप, ठीक है, ड्रॉ शीट की हेल्प से करो तो उसको पोजिशन चेंज करने में ज्यादा ईजी रहेगा, एंड यूज प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक, ठीक है, प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक जो है वो यूज करनी है, एंड अवॉइड ड्रैगिंग द पेशेंट इन बेड, ठीक है, अननेसेसरली पेशेंट को ड्रैग नहीं करना, इधर उधर खींचना नहीं है बेड के अंदर, एक प्रॉपर टेक्निक के साथ उसको पोजिशन जो है वो चेंज करनी है, देन यूज कम्फर्ट डिवाइसेज अप्रोप्रिएटली, ठीक है, जो भी कम्फर्ट डिवाइस यूज करनी है उसको आपने अप्रोप्रिएटली यूज करना है, ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि मेक द बेड रिंकल फ्री, ठीक है, जो पेशेंट का बेड जो बनेगा, पेशेंट का जो बेड बनेगा वो रिंकल फ्री बनेगा, ठीक है, उसमें एक कोई भी रिंकल नहीं होना चाहिए शीट के ऊपर, देन नेक्स्ट आता है इंटरवेंशंस फॉर अ पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी और मोबिलिटी, interventions for patient with decreased activity and mobility, so establish individualized learning schedule, ठीक है, तो ये इंटरवेंशन कौन से पेशेंट के लिए है जिसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज्ड है, जो ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आपने इंडिविजुअलाइज्ड टर्निंग स्केड्यूल बनाना है कि कितने टाइम के बाद आप उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे हो, मतलब टाइम स्केड्यूल बना लो, पहले 10 बजे करी, फिर 12 बजे करी, 2 बजे करी, है ना, उस हिसाब से, देन चेंज पोजीशन एटलीस्ट वंस इन 2 आवर्स एंड मोर फ्रीक्वेंटली फॉर द हाई रिस्क इंडिविजुअल, वैसे एटलीस्ट हर 2 घंटे बाद करनी है, लेकिन अगर जो हाई रिस्क पेशेंट है, ठीक है, उनकी आप 1-1 घंटे बाद भी चेंज कर सकते हो, देन इंटरवेंशंस फॉर अ पेशेंट विद पुअर न्यूट्रिशन, अब कोई पेशेंट है पुअर न्यूट्रिशन वाला है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, और बेड रिडन है तो आपने उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, फ्लूइड इनटेक उसका प्रॉपर रखना है, देन असिस्ट विद इनटेक एज नेसेसरी और हेल्प करोगे पेशेंट के फीडिंग के टाइम पे, ठीक है, एंड कंसल्ट डाइटिशियन फॉर न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन, ठीक है, तो डाइटिशियन को भी आपने इसके अंदर अपने अंदर इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व करना है, ताकि वो पेशेंट से उसकी फूड प्रेफरेंसेस पूछ सके, ठीक है, और न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन कर सके पेशेंट के हेल्थ स्टेटस की, ठीक है, then evaluate the ulcer progress every 4 to 6 days, अगर bed sore develop हो गया है तो evaluate करना है हर 4 से 6 दिन के अंदर कि ulcer कितना progress हुआ है, होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब healing देखना है, फिर या healing भी देख सकते हैं, अगर आप उसे manage कर रही हैं तो आप healing देखेंगे कि कितना आपने उसको heal कर दिया है, ठीक है, then assess the physician or surgeon in debridement, ठीक है, अगर आप पेशेंट के जो वूंड है, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग चल रही है या डिब्राइडमेंट का प्रोसीजर चल रहा है, तो उसमें आपने असिस्ट करना है फिजिशियन या सर्जन को, देन एडुकेट द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स, ये आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जब पेशेंट को आप डिस्चार्ज करेंगे तो उसकी फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट को एडुकेट करना है आपने बेड सोर की प्रिवेंशन के बारे में और उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, ठीक है बेटा, yes ma'am, so this was yes, all yes, haan ji, this was all for today, the topic was bed sore, theek hai, abhi thoda summarization hum isme kar lete hain, to who will tell me, one second let me ask questions, wait, yeah.
यस अर्जुन यस मैम हाँ जी बताओ बेटा हाउ विल यू डिफाइन बेड सोर्स मैम बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर पेशेंट को तब हो जाते हैं जब वो एक ही पोजीशन पे काफी टाइम से स्टेबल हो कोई भी बिना किसी मूवमेंट के थ्रू और उसके थ्रू जो हमारी जो स्टेजेस पे डिफरेंट स्टेजेस पे ये डिवाइड हो रखे हैं जैसे फर्स्ट स्टेज में हमारी जो नॉर्मल एपिडर्मिस लेयर होती है डर्मिस लेयर होती है वो इफेक्ट होती है दूसरी लेयर में हमारी एपिडर्मिस भी इफेक्ट होती है तीसरी वाली में हमारी सबक्यूटेनस इफेक्ट हो जाती है और चौथी वाली में सबसे मतलब मसल्स टेंडन बोन्स आ जाती है ठीक है उसमें काफी क्रिटिकल सिचुएशन होती है गुड जयती यस जयती आई एम वेटिंग Jayati, I'm waiting to hear from your side. I think she is not there. Himanshu. Very nice. Ravi. शिवानी आई एम नोटिंग डाउन द नेम्स डोंट वरी यस मैम शिवानी बताओ बेटा व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ बेड सोर्स सॉरी यस टेल मी फास्ट शिवानी मैम एक्चुअली मेरी क्लास ना बीच में ड्रॉप हो गई थी मैंने सुन नहीं पाई क्लास और नेटवर्क इशू हो रहा था आवाज नहीं है यस मैम मैंने स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था ग्रुप में ऐसे कैसे मैम नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा इस वजह से और ये जो बच्चे मोबाइल ऑन करके बैठे रहते हैं ना और क्लास लेते नहीं है सुनते नहीं है कुछ भी उससे लॉस किसी का नहीं है इनका खुद का ही है यस सोनाली यस मैम हाँ जी आप बताओ बेटा रिस्क फैक्टर्स बताओ मैम रिस्क फैक्टर्स मैम जैसे मैम बेड पे रिंकल्स होते हैं और मैम जब यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता स्टूल पास होने पर कंट्रोल नहीं रहता बिल्कुल और मैम माल न्यूट्रिशन जो पतले लोग होते हैं मैम उन पे बोन एरिया पे जो जाते हैं बिल्कुल हाँ और मैम डिहाइड्रेशन क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस मैम जो होती है जिन लोगों को होती है ठीक है पुनीत पुनीत भी नहीं सुनता क्लास वेरी नाइस रुचि पाठक यस मैम हाँ जी रुचि आप बताओ बेटा स्टेजेस बताओ बेड सोर की बताओ बेटा मैम स्टेजेस बताओ रुचि लेक्चर सुना है ना आपने यस मैम हाँ टेल मी फास्ट बेटा बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो बेटा ओके लव यू ऑल म्यूट करो अपने आप को सुप्रिया सुप्रिया सुरेंद्र मैम सुप्रिया प्लीज बताओ स्टेजेस बताओ Thank you.
Yes, who will tell me the stages? Come on fast. Ma'am, 4 stages. हाँ जी बताओ. Ma'am, first में epidermis, second में epidermis और dermis. हाँ. Third में ma'am epidermis, dermis और subcutaneous. और fourth stage में ma'am bony, tendons और muscles. हाँ, very nice Yuvraj, ठीक है. First stage में क्या होता है? First stage में epidermis is involved, second में dermis and third one में subcutaneous tissue and fourth one में muscle, tendon and even bones are involved. ठीक है? चलिए. ठीक है बेटा, this is all for today. PPT I'm going to share in the WhatsApp group, right? Ma'am. Okay. Okay, बेटा. Thank you so much.